गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और अभी बज रहा है सुबह का 8 और बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रहा है। तो ये चादर धोने के लिए देना है, तो मैं सोची कि ना अपना हेयर मतलब थोड़ा पोछ लूँ, उसके बाद मैं दूँगी। और अभी आई थी नाखून काटने के लिए, तो देखिए मेरा क्या हाल कर दी है। 1 2 और दिखाती हूँ मैं, इस फिंगर में कट कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा ही मेरे को सुबह सुबह ब्लडिंग आ गया, उनको समझ नहीं आया मुझे दर्द हो रहा है, मैं बोल रही हूँ तो फिर भी वो नहीं समझी, काट दी। भूल से ही कटा होगा, जानबूझ को नहीं करता है कोई। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ साड़ी वाड़ी चेंज करने, तो उसके बाद जो जो होगा आज बहुत कुछ होगा, जो जो होगा मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तब तक मैं अभी जाती हूँ थोड़ा छत पर, देखूँ थोड़ा धूप है कि नहीं, फिर मिलती हूँ आप लोग से। फाइनली मैं आ गई हूँ नहा धोवा के, लग रहा है बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, सच बता रही हूँ। इतना मन हल्का लग रहा है ना, और हेयर में से तो इतना ही गंदा निकला, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, क्या बताऊँ, गंदा ही निकला। तो बस अभी जस्ट थोड़ा देर छत पे रहूँगी, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, गैस वगैरह नहीं जला सकते, क्योंकि ये लोग गए हैं गंगा जी, मतलब जितने घर के लड़के हैं वहाँ पर कुछ नियम होता है बहुत, मतलब वहाँ पे जब तक आग नहीं जलाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जल सकता, मतलब गैस नहीं जल सकता। तो बस अभी नहा धोवा का वेट करते हैं, बाहर से किसी के घर से चाय आएगा, लेमन टी मतलब लाल चाय, तो वो पियेंगे सब कोई। और अभी भी गांव से सब आ रहे हैं, तो सब नीचे बैठे हुए हैं। तो बस अभी यही चलने वाला है। और आज 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, सब कुछ है, और सच बता रही हूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हाँ आज कुछ है भी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मतलब, और याद भी नहीं आ रहा। कल रात में मुझे याद आया कि अरे कल तो 26 जनवरी भी है, सरस्वती पूजा भी है, क्या बोलेंगे। यही होता है, कभी खुशी होता है कहीं गम होता है। और एक बैड न्यूज़ है कि यहाँ पे एक बच्चा रहता था, नहीं तो 7-8 साल का था। मैं उस बच्चे से कभी कभी कुछ सामान वगैरह भी मंगा लेती थी, वो खेलते रहता था और बगल में ही दुकान है, तो मैं बोलती थी बाबू कुछ ला दो कुछ ला दो, वो ला देता था। उस बच्चा का भी मतलब ऐसा हो गया ना, वो जो सीटी होता है जो बजाते हैं सीटी, वो बजा रहा था और अचानक से ऐसा वो क्या किया सीटी के संग, मतलब अंदर लिया तो जो सीटी है ना उसके जो सांस मतलब लेने वाला जो नली होता है उसमें वो मतलब फंस चुका है। डॉक्टर भी बोल रहा है कि रिक्स है, ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो बस मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी का भी टेंशन, और जो जो इंसान को मैं देख लूँ उसको लेके तो मुझे और ज़्यादा होता है, और फिर भी तो बच्चा है। कल रात से ही बोल रही हूँ भगवान बस सब ठीक कर देना, बच्चा अच्छा हो जाए, अच्छा से आ जाए, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। रात में मतलब आर्यन भी बोल रहा है मम्मी अब सो जाइए, सो मतलब नहीं भी तो 1:30 बज चुका था, मेरे को इतना ज़्यादा मतलब अजीब लगता है, किसी का भी सुन लो तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस वो अच्छा हो जाए मैं ही मतलब भगवान से मना रही हूँ। तो चलिए और आ जा, देख सकते हैं धूप भी बहुत अच्छा लग रहा है और हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो चलिए भी चलते हैं नीचे, क्या करते हैं, लेमन टी आता है तो पियेंगे थोड़ा, फिर जो जो काम होगा करेंगे, तो शेयर करेंगे जो अगर दिखाने लायक हुआ आप लोगों के संग। तब तक वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखते हैं 26 जनवरी का, हमारे अगल बगल छत पे भी झंडा लहरा रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे और एक यहाँ दिख रहा है, हम लोग के छत पे भी रहता था यार, पर इस बार किसी को ऐसा है ही नहीं कि लगा दे, बहुत जगह और भी होगा, अभी फिलहाल यही दिख रहा है दो, तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। चलिए नीचे चलते हैं, छत से तो जाने का सच में मन नहीं कर रहा क्योंकि धूप बहुत अच्छा लग रहा है, और स्कूल में भी देख सकते हैं मनाया जा रहा है, सुबह ही मन चुका है, अभी बहुत लेट हो चुका है, मतलब मैं दिखाने आई हूँ। तो सकते हैं जो हम लोग का काम था वो है कम्प्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। आटा यहाँ पे 2 गमला अभी सना चुका है और अभी ये बॉयल होगा, उसके बाद आटा फिर सनेगा कि क्या होगा पता नहीं, क्योंकि खाना बनने वाला है बहुत और एक टाइम ही बनेगा, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो देख सकते हैं मेरा काबली चना बॉयल हो चुका है, और मैंने यहाँ दूध बैठा दिया खीर के लिए, सब्जी बना लूँ पहले उसके बाद मैं खीर बना लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा सब्जी लगभग हो ही चुका है और मेरा खीर भी यहाँ पर हो रहा है, और हम लोग सब मिल के बना रहे, गाँव से भाभी भी आई हैं, सब मिल के कर रहे हैं, क्योंकि खाना कम नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा बनने वाला था और सब खाने भी बैठ चुके थे, तो फटाफट उन लोगों को भी खिलाना था, तो ये भी एक टेंशन था क्योंकि बच चुका था 2 और लगा था सबको भूख। तो यहाँ देख सकते हैं सब बना रहा है, इतने बड़े बर्तन में पूरी रखा रहा है, इतने लोग बना भी रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा था, मिल के बना रहे थे और बहुत जल्दी बन जा रहा था, और बाहर में सब बच्चे भी खिला दे रहे थे क्योंकि हम लोग खिला नहीं पाएंगे ना, गाँव से भैया लोग आए हैं, सबको देख सकते हैं सबका बाल, क्या बोलूँ, ये होता है नियम, हंसना नहीं चाहिए, सॉरी मेरे से गलती हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं सब खा रहा है और बच्चे लोग खिला रहे थे, जैसे आर्यन था
और दो तीन बच्चे थे, सब मिल के खिला रहे थे। और उसके बाद से हम लोग का यहाँ बनाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था, फिर क्योंकि हम लोग को भी लगा था भूख, वो लोग उठते उसके बाद हम लोग को भी बैठना था, ऐसा नियम था, पता नहीं। यहाँ पे वो बना रही थी मेरी देवरानी, और यहाँ पे देखिए हम लोग भी बैठ चुके हैं, और जो गांव से भाभी लोग आई हैं वो बना रही थी तब तक, और यहाँ पे मेरी बड़ी ननद है जो हम लोग को खिला रही हैं, तो हम लोग यहाँ खा रहे हैं। और तो चलिए खा लेते हैं, और यहाँ पे आर्यन बैठ गया था खाने के लिए, अब खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी बनाना है, क्योंकि और लोग भी खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। फाइनली जस्ट अभी हम लोगों का खाना बनाना हुआ है कंप्लीट, अभी मैंने भी खा लिया है, सब कुछ खाया आप लोगों ने देखा ही। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पूरी बनाया, क्योंकि आज एक ही बार फिर से खाना बनेगा, शाम को कुछ नहीं बनेगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा उतना पूरी में हो पाएगा, देखते हैं शाम को क्या होता है क्या नहीं। और अभी बज चुका है 4:45, अभी नहीं बजा है, तो अभी जाते हैं, देखते हैं फिर क्या करना है क्या करना, मतलब दिन ऐसे कट जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। अभी छत पे आई हूँ तो देख रही हूँ सब छोटी छोटी बच्ची येलो येलो कलर का साड़ी पहन के जा रही है सरस्वती पूजा के लिए, और यहाँ पे ऋषिका भी है। ऋषिका इधर आ, यहाँ पे देखिए ऋषिका भी है, बोल दो। तो देखा आप लोगों ने, तो चलिए अभी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, तो शेयर करेंगे आप लोगों के संग। अगर बाहर में बच्चे लोग जाएंगे दिखा पाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। अभी आज धूप भी ज़्यादा है और बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं, तो मैं छत पे ही आ जा रही हूँ बार बार, रूम खाली नहीं रह रहे। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे आई चाय वाय वगैरह पी सब, क्योंकि घर में तो बनने वाला नहीं था, बाहर से ही आया था, उसके बाद आ गया था ये पुचका। वाह, देख के मुँह में पानी आ रहा अभी भी, तो यहाँ देख सकते हैं। और पुचका का पानी इतना ही खट्टा यम्मी था, क्या बोलूँ। और ये खाने के बाद सच बता रहा हूँ खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पुचका बहुत ज़्यादा था और खाने वाले हम लोग 4-5 लोग थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पानी निकाल रही हूँ और पुचका भी, और पुचका काफ़ी क्रिस्पी था, काफ़ी बहुत स्वादिष्ट था, आर्यन को भी बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे चलिए खा लेते हैं, नहीं तो फिर क्या ही बोलूँ, बोलते बोलते मुँह में पानी आ रहा है। खा के मिलती हूँ आप लोग से। चलिए बाबी, हम लोग का पुचका वगैरह खाना हो चुका है, और मैं ये माथा से आँचल नहीं हटा सकती, क्योंकि गांव के जितने भैया लोग हैं तो हसूरी लगेंगे, तो लोग आए हुए हैं, तो अभी तो पुचका वगैरह हुआ है खाना। सच में पुचका बहुत ही अच्छा था, और बहुत दिन बाद मिला है तो मन कर और मैं खाऊं, कम ही लग रहा था, क्योंकि हम लोग ना सेना नमक खा रहे थे और आज वो नमक खाए हैं, तो और दिन भर खाना बना बना के जो हाल हुआ था मत ही पूछिए। और अभी भी ऊपर पंडाल बन रहा है, क्योंकि जो पापा खाना पाना पीना होगा ऊपर ही होगा, मैं दिखा देती बट अभी अंधेरा है तो नहीं दिख पाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो बस यही है, और अभी हम लोग सब बैठ के बात ही कर रहे हैं बरंडा में, जितने गांव के भाभी लोग आए हैं हम लोग हैं जो, तो सब बात ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फैमिली अगर साथ में रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो यही है, और बस अभी 2-3 दिन और ऐसे ही चलने वाला है, उसके बाद से फिर लाइफ नॉर्मली है जैसे हो जाता है। तो अभी ऋषिका आ गई थी, तो यही है अभी ऐसे चलने वाला है। और आज सरस्वती पूजा भी था, 26 जनवरी था, बिल्कुल पता ही नहीं चला, बस छत पे से देख रही हूँ लड़की लोग जा रही है येलो साड़ी पहन के, तो पता चल रहा था कि हाँ सरस्वती पूजा है, तो इसकी वजह से। और बस खाना तो बनेगा नहीं, क्योंकि खाना जो दिन का है वही हम लोग खाएँगे, और आर्यन भी बाहर गया और वो तो वीडियो में आना चाहता ही नहीं है, मैंने थोड़ा सा छुपा के उसका वीडियो लिया है, क्योंकि बाल तो पूरा सबका हट चुका है ना, आज के दिन हटता है, तो पूरे घर के लड़के का बाल मतलब हटवा दिया गया है, ऐसा नियम जो होता है नियम के अनुसार करना ही पड़ता है। आज हम लोग का भी सब कुछ हुआ, मतलब नेल तो बड़ा बड़ा था, मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया ही, मेरा मतलब कट चुका है और इतना पेन हो रहा है ना, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, फिर भी किया है। अब खाना बनाना ही था इतने लोग का, और नहीं बनाने से चलेगा भी नहीं, तो अब हो गया है, अब जाते हैं वही खाना वगैरह खाएँगे फिर सोएँगे। तो बस यही है, बस यही बोलूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगेगा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो में, अच्छे वीडियो में नहीं, अभी 2-3 वीडियो यही होगा, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करना, और प्लीज़ जैसे प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देना। तो बस यही है, तो अब करती हूँ वीडियो कहीं पे एंड, बाय, गुड नाइट।